हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक चैप्टर टू फ्रॉम गेटिंग टू ग्रोइंग फूड मीन्स ये स्टार्टिंग में अर्लीस्ट पीपल थे वो पहले क्या थे अपना फूड फॉरेस्ट से कलेक्ट कर रहे थे या गैदर कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट देयर ग्रोइंग देयर ओन फूड कि जो स्टार्टिंग में अपना फूड कलेक्ट करने से वो कैसे उन्होंने अपना फूड खुद ग्रो करना स्टार्ट किया। इस चैप्टर में हम ये स्टोरी रीड करेंगे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल आल्सो नोन एज गैदर और हंटर। गैदर मीन्स पीपल हु कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हंटर मीन्स पीपल हु हंटिंग द एनिमल। अर्लीस्ट पीपल डिस्क्राइब एज हंटर गैदर। The name come from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animal, catch fish and bird, gather fruits, roots, nuts, seed, leaves from the forest. The immense variety of plant in a tropical land like our meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. There are several animals that run faster than us. Many that are stronger. To hunt animal or catch fish and bird, people need to be alert, quick, and have a lot of patience of mind. To collect plant produce, you need to find out which plant or part of plant are edible. That is, can be eaten, as many can be poisonous. Means कि जो हंटर गैदर थे वो अपना फूड कलेक्ट करते थे उसके लिए उनको काफ़ी सावधानी रखनी होती थी। फॉर एग्जांपल जो भी वो फॉरेस्ट से प्लांट कलेक्ट करते थे एज ए फूड सभी उनमें क्या थे खाने लायक एडेबल नहीं थे। उनमें कुछ क्या होते थे प्लांट्स में पॉइजन होता था तो उनको केयरफुली उनको पिकअप करना पड़ता था। और जो एनिमल हंटिंग था वो भी उनके लिए ईजी नहीं था क्योंकि कुछ एनिमल क्या थे लाइक एलिफेंट और लायन वो क्या थे उनसे स्ट्रोंग थे और कोई क्या थे फास्टली रन करते थे तो उनको पकड़ना भी उनके लिए ईजी नहीं था। इट मीन्स द लाइफ ऑफ अर्लीस्ट पीपल इज नॉन ईजी। नेक्स्ट इज वाई हंटर गैदरर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। फर्स्ट इफ दे हैड स्टेट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स देयरफॉर दे वुड हैव टू गो अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। सेकेंड एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर एग्जाम्पल डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स मीन्स कि जो एनिमल थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे कि जो डियर थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करेंगे ग्रास के लिए कि अगर एक जगह रहेंगे तो सारा ग्रास फिनिश हो जाएगा। जो वाइल्ड एनिमल थे वो क्यों मूव करते थे क्योंकि उनका मेन फूड क्या था डियर था तो डियर वहाँ से जाएंगे तो उनको भी जाना पड़ता था। और पीपल थे वो एक जगह ज़्यादा दिन इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि वो भी सेम वही है कि अगर एक जगह रहेंगे तो वहाँ के जो भी प्लांट है एनिमल रिसोर्स है वो सबको उनको फिनिश कर देंगे तो इसलिए वो भी क्या करते थे इस जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। थर्ड प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स कि आपने देखा होगा जो भी जितने फ्रूट्स हैं फ्लोवर हैं सभी एक सीजन में नहीं लगते कोई फ्रूट्स किसी सीजन में लगता है कौन सा किसी में तो इसलिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे क्योंकि उनको पता है कि फॉरेस्ट में इस जगह पर ये ट्री हैं इन पे फ्रूट किस टाइम लगेगा कौन से सीजन में लगेगा दूसरी जगह ट्री है उनमें कौन से सीजन में लगेगा इसलिए वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फोर्थ पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक स्ट्रीम एंड रिवर व्हाइल मैनी रिवर एंड लेक्स आर पेरेनियल एंड सम आर सीजनल। पेरेनियल मीन्स कि ऐसी रिवर या लेक जिनमें क्या होता है पूरे ईयर वाटर रहता है दैट इज कॉल्ड पेरेनियल। और सीजनल मीन्स कि ऐसे जैसे रिवर या लेक जिनमें ओनली रेन के रेनी सीजन में क्या रहेगा वाटर रहेगा बाकी सीजन में वाटर नहीं रहेगा। तो पीपल को क्या करना जो भी लोग थे उनको क्या करना होता था कि जब ड्राई सीजन आ जाता था तो वो वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते थे।
नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके बारे में हमें कैसे पता लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन वुड एंड बोन, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के टूल्स मिले हैं और उनसे क्या शो हो रहा है कि वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यूज करते थे और उनका डिफरेंट पर्पज से यूज करते थे। स्टोन टूल वर यूज टू कट मीट का बार्क चो फ्रूट एंड रूट्स मेक एरो फॉर हंटिंग एंड टू मेक हट एंड टूल्स। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच आर यूज एंड फायरवुड। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट एंड टूल्स, कि वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टूल यूज करते थे वो किन से बने होते थे, स्टोन के, वुड के और बोन के। और पर अब तो इसे बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो हम लोग किससे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं। नेक्स्ट इज चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कौन सी जगह रहते थे। इन दिस मैप यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कोलॉजिस्ट साइट। इस मैप में आपको जो रेड ट्राइंगल वाले प्लेस दिखाई दे रहे हैं, भीमबेटका, हंसी, करनूल, दीज आर द साइट फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर। बट ये तो आपने देखा होगा, बस थोड़ी सी साइट दिखा रखी है। इसके अलावा भी वर्ल्ड में और इंडिया में बहुत सी ऐसी साइट थी जहाँ से आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, डिफरेंट एविडेंस मिले हैं, जो क्या शो कर रहे हैं कि उस टाइम लोग क्या करते थे, कि जो उस टाइम इन जगह पे लोग रहते थे। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि लोग केवल इन्हीं जगह पे क्यों रहते थे, ये जैसे पूरा ब्लैंक है इस जगह, वो लोग क्यों नहीं रहते थे। इससे पहले वाले में टॉपिक में हमने रीड किया था पीपल लिव नियर बाय द वाटर सोर्स, कि लोग उस जगह को ज़्यादा पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे उनको इजीली वाटर मिल जाता था। सेकंड, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वर इजीली अवेलेबल, कि जहाँ पे गुड क्वालिटी के स्टोन मिलते थे वहाँ भी लोग इजीली रहना पसंद करते थे। उसका रीज़न ये था ताकि वो आराम से टूल्स वगैरह वो बना पाए। इन दिस मैप यू कैन सी भीमबेटका, दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और ये सबसे अर्लीस्ट साइट है जो जहाँ से आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, केव मिले, और केव में उनको क्या मिले हैं, केव पेंटिंग के उनको एग्जाम्पल मिले हैं। पीपल चूज दिस नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। मीन्स कि केव में रहने से उनको क्या था, वो इजीली रेन से, वाइल्ड एनिमल से वो बचे रह जाते थे, इसलिए लोग इनको को चूज करते थे एज ए लिविंग प्लेस। नेक्स्ट इज रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। फर्स्ट इज साइट्स, प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग टूल बोर्ड बिल्डिंग वर फाउंड टू आर्कोलॉजिस्ट, की साइट्स वो प्लेस होते हैं जहाँ से आर्कोलॉजिस्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओल्ड एविडेंस मिलते हैं। अर्ली पीपल हु लिव इन केव्स मेड पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ दैट केव, दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्राइंग विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, कि जो आपको मैंने मैप में दिखाया था भीमबेटका की साइट की, वहाँ से ज़्यादातर क्या मिले हैं, हमें केव पेंटिंग के एग्जाम्पल मिले हैं कि जो लोग इन केव में रहते थे वो क्या करते थे, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे पेंटिंग ड्रॉ करते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, कि आर्कोलॉजिस्ट आल्सो फाइंड अबाउट द प्रूफ ऑफ फायर, कि दैट अर्लीस्ट पीपल यूज फायर एट दैट टाइम। पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर एट दैट टाइम। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, दे कैन यूज फायर फॉर एज ए सोर्स ऑफ लाइट एंड टू कुक मीट, स्केयर अवे एनिमल, कि उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो नाइट में जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, फायर को एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज करते थे। सेकेंड, वो खाना कुक करने के लिए फायर का यूज करते थे। थर्ड, जो
वेल्ड एनिमल थे, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, फायर का यूज करते थे। नेम्स एंड डेट्स। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन डिफरेंट नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। फर्स्ट इज पैलोलिथिक, कि 2 मिलियन ईयर टू 12,000 ईयर अगो का जो टाइम पीरियड था, अर्लीस्ट पीरियड, उसको क्या कहते थे, पैलोलिथिक। दिस आल्सो डिवाइड इन टू 3 पार्ट, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलोलिथिक। सेकेंड इज मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, 12,000 ईयर अगो टू 10,000 ईयर अगो, कि 12,000 ईयर से लेकर 10,000 ईयर के जो बीच का टाइम है उसको क्या कहते थे, मेसोलिथिक। थर्ड इज नियोलिथिक, अबाउट 10,000 ईयर अगो, कि 10,000 ईयर तक का जो टाइम था उसको क्या कहते थे, नियोलिथिक। नेक्स्ट इज चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि अब धीरे धीरे क्या आने लगा, इन्वायरमेंट में चेंज आने लगा। अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद ए शिफ्ट ऑफ वार्म कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इन मैनी एरिया दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप एंड कैटिमल, मीन्स एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। दोज हु हंटेड दीज एनिमल नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हेडिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल, एंड फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। मीन्स कि अब कि 12,000 ईयर के आसपास क्या हुआ, कि जो क्लाइमेट थी वो कंडीशन चेंज होने लगी, और वर्ल्ड में कई जगह पे क्या, ग्रासलैंड मिलने स्टार्ट हो गए। तो ग्रासलैंड में क्या था, जो डियर, एंटीलोबिया, सिप जैसे कैटल थे वो क्या करेंगे, ग्रासलैंड की सर्च में, जहाँ पे ग्रासलैंड बन रहे थे वहाँ पे वो गए। तो अब जो भी उनको, उनकी जो हंटिंग करते थे, हंटर थे, वो भी क्या करने लगे, उनके पीछे पीछे उन जगह पे जाने लगे। और लास्ट में उनको क्या रियलाइज हुआ, कि वो भी क्या कर सकते हैं, इन एनिमल को वो अपने पास रख सकते हैं या उनको अपने पालतू एनिमल बना सकते हैं। और उस टाइम पे फिशिंग भी क्या था, एक इम्पोर्टेंट वर्क बन चुका था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हेडरिंग।